स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। अपनी हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है और इसको समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके पहले नियम को देखते हैं। तो जैसे कि आप लिखा हुआ है कि वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो सबसे मैंने आपको जब वर्णमाला की क्लास दी थी तो उसमें मैंने समझाया था कि आपको क वर्ग जितने भी वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी संधि को समझने से पहले। तो आपको जैसे बताया कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, त वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, प वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये वर्ण के आधार पे ही हम व्यंजन संधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो नियम है वो देखते हैं जो इसमें कहता है। हाँ, एक और बात, व्यंजन संधि में जो पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा और जो दूसरा वर्ण जो होगा उसका व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो इन दो वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाती है। तो सबसे पहले इसका पहला नियम देखते हैं जिसमें ये कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, जैसे कि आप यहां देखिए, ये वर्ग का पहला वर्ण है क, हर इसका च है, इसका ट, इसका त्र और इसका प। तो इसका जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, वर्ग के तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखिए, सब मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं वो समझिएगा। ये देखिए, दिख प्लस गज, ये जो क है इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा वर्ण के तीसरे वर्ण में। तो ये हो जाएगा आपका दी का दिग्गज। समझ में आया, क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने एक दो उदाहरण और लिए हैं, जैसे लिया है वाग दाता, तो इसमें जो ये का है, ये का परिवर्तन किस में हो जाएगा, वर्ण के तीसरे वर्ण में, मतलब काका गा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाग के दाता। समझ में आया किस तरीके से हो जाएगा ये वाग के दाता। इसी प्रकार इसका कर सकते हैं, ये क्या है, इसका भी इसलिए वाह। और हाँ, जब इसके एक और बात पहचानने की, एक और हाथ है, हमेशा जो व्यंजन संधि का जो पहला वर्ण होगा उसमें हमेशा हलंत का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में हलंत नहीं दिया हुआ है तो उसको ध्यान रखें, हलंत का प्रयोग इसमें होता है। अगर इसके बाद इस स्वर आ जाए तो वहां पे पूरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ये गय है, ये पूरा पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ण आया है वो उसमें कोई भी स्वर नहीं है, इस कारण ये पूरा आधा वर्ण ही रह जाता है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे कि ये वागीस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वा, और ये क किस में परिवर्तन हो जाएगा, गा में, तो क्या हो जाएगा, वागीस। समझ में आया। ऐसे ये है दिगंतर, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये सताचार, अब देखिए तय, तय का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, तय का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, दे, तो ये क्या हो जाएगा, सदाचार, क्या हो जाएगा, ये सदाचार। समझो, अब पूरा दे क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके आगे अगर पहले वर्ण में यदि वो स्वर संधि मतलब स्वर कोई होगा तो वहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक वर्ण बन जाता। अब ये है सत उपयोग, तो ये क्या हो जाएगा, सद उपयोग। तो आपने समझा किस तरीके से इसका परिवर्तन होता है। एग्जाम में सिर्फ आपको क्या देगा, इस तरीके का एक वर्ड दिया होगा आपको, तो आपको आगे दिया होगा कि इसका कौन सा वर्ड बनेगा। तो आपको पहले नियम पता होना चाहिए, अगर इस तरीके से तो इसका परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है तो वहां क्या हो जाता है, वहां पे व्यंजन संधि बन जाती है। तो आप इजिली आपका टिक करके बता सकते हो कि अगर इस तरीके से वर्ड आया है तो ये जो हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। पहला आपका नियम इसका समझ में आया। इसका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है उसको देखते हैं एक बार और, जब देख लेंगे इसको बाद में। ये देखिए तय संबंधी नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। क्या है तय संबंधी नियम, देखिए ये कहता है तय या दय, इसको हम तय या दय भी मान लेते हैं, तय या दय, यदि किसी में तय के बाद ले है, जैसे ये दिया हुआ है उत प्लस लास, तो वहां पे लय का क्या हो, इसका क्या हो जाता है, लय हो जाता है। जैसे तो इसको उत प्लस लास को हम क्या लिख सकते हैं, उ लास। समझ में आया, आधा लय क्यों आया, ये भी आपके समझ में आया होगा,
क्यों? इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। तो ये क्या हो गया, उत प्लस लास के उल्लास। ये भी देखिए, ये लिखा हुआ है उत प्लस लंघन, तो तय के बाद या दय के बाद यदि लय आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका लय हो जाता है। वो क्या लय हो जाता है, आधा लय हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, उत, ये हो जाएगा ऊ लंघन। समझ में आया, एग्जाम में ऐसा वर्ड देगा और आपको इस तरीके से वर्ड दिएगा जिसको आपको टिक करना होगा, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। पहला नियम समझ में आया, तय या दय के बाद अगर लय आता है तो उसका लय हो जाता है। इसका तय में दूसरा नियम समझिएगा, यदि तय या दय के बाद जय या झय आता है, यदि तय या जय के बाद, तय या दय के बाद जय या झय आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका जय हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम में दिया होगा सत प्लस जन, आप इसमें काफी दिए होंगे, इसका सही बताना है आपको, तो आप बता सकते हैं भाई तय के बाद जय आया है तो इस तय का जो होगा जय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सज्जन। समझ में आया, और विसर्ग को तो आप इजीली पहचान, व्यंजन संधि को तो आप इजीली पहचान भी सकते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं ये पहला वर्ड जो होता है ये क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन के बारे में आप जानते हो कि व्यंजन जो होते हैं पहले जो होते हैं आपके स्वर व्यंजन होते हैं जो 25 है, उसके बाद आपके यरे लैबे हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, उसके बाद उष्म आता है जिसमें स श श है करके आते हैं, तो आप इजीली उसको जानते हो कि व्यंजन कौन से होते हैं, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको दिया उत प्लस जवल। आपको नियम पता है कि तय के बाद अगर जय आता है तो उसका जय हो जाता है, तो ये हो जाएगा उ आधा जय जय वह लय, क्या हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के, तो हमें दो नियम समझे तय संबंधी, पहला तय और या दय के बाद लय आता है तो उसका लय हो जाता है, या दूसरा हमने एक और नियम समझा यदि तय के बाद जय और झय आता है उसका जय हो जाता है, एक और आता है कि तय के या दय के बाद टय या डय आता है तो उसका भी तय हो जाता है और डय हो जाता है। जैसे सत्तिका, तो क्या हो जाता है इसको बोलेंगे से सत्तिका। समझ में आया, क्यों हमें पता है जब तय के बाद टय आता है उसका टय हो जाता है। समझ में आया आप लोगों के, उसके बाद इसका नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है यदि तय के बाद से आया है तो तय का चय हो जाता है और से का छय हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, ये आपको एक वर्ड दिया है उत प्लस श्वास। तो नियम ये कहता है यदि तय के बाद से आया है तो तय का तो हो जाता है आपका छय और इस से का हो जाता है छय, तो क्या बन जाएगा ये उ चे छे वे आस उच्छ्वास। समझ में आया, अगर तय के बाद से आया है तो तय का तो हो जाएगा छे और से का हो जाएगा छे, तो ये क्या हो जाएगा उच्छ्वास। समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से परिवर्तित होता है। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सत प्लस चिदानंद, ये आपको लिखा हुआ है। अब आपको देखना है, जब पता है आपको कि तय के बाद चे आता है तो किस तरीके से हम करते हैं इसको, तो इसका जगह से इसका चे ची दा नंद। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो हमने जाना इसके तय के नियम के बारे में कि तय और दे के बाद लय हो आता है तो लय हो जाता है, तय के तय या दय के बाद जय या झय आता है तो जय हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है दय, फिर भी याद रखना तय और दय, तय के और तय और दय के बाद ही टय या डय आता है तो उसका टय और डय हो जाता है, और तय के बाद से आता है, सब जान ये जान रखो, अगर तय के बाद से आता है तो तय तो छ में परिवर्तित हो जाता है और वो जो स दिया है वो छः में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से परिवर्तित होता है। समझा, तो एग्जाम्पल यही आता है, आपको लिखा होगा आप तय को किस में बदलेंगे, तय को बदलेंगे छ में और स को बदलेंगे छः में, तो आप इजीली बता सकते हैं इसका कौन सा सही शब्द होगा। उसके बाद इसका एक और नियम बनता है, तय या दय के बाद यदि है आता है, तय के बाद यदि है आता है तो याद रखिए, जैसे ये एग्जाम्पल आया आपको उत प्लस हार, ठीक है, तय के बाद यदि है आता है तो तय का तो दय हो जाता है और है का धय हो जाता है, क्या हो जाता है, तय का दय हो जाता है और है का धय, कैसे, तो इसको लिख सकते हैं ऊ धार। समझ में आया, तय का दय हो गया और है का धय हो गया,
तो क्या बन गया उधार। अब इसी को लिखते हैं तथित को, तथित हो तत, ये आपको दिया हुआ तत प्लस हित, समझिए मैंने अभी बनाया। तय के बाद यदि है आता है तो क्या हो जाता है, तय का दय हो जाता है और है का धय हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा तय तथित। आप इजीली पहचान सकते हैं अगर इस तरीके का कोई आपको वर्ड दिया होगा, पूछेगा इसका वर्ड शब्द क्या बनेगा विच्छेद होने के बाद या वर्ग को बनाने के बाद, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि तय के बाद है आता है तो तय का दय में परिवर्तन हो जाता है और है का धय में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमने जाना तय संबंधी नियम, कि तय संबंधी नियम ही इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तय संबंधी नियम से, या पूछा जाएगा इससे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाले से, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम से कि तय, और इस तरीके का आपको वर्ड दे देगा, पूछेगा इसके बाद किस तरीके का वर्ड बनेगा। इसके बाद बात करते हैं छह संबंधी नियम। तो छह संबंधी नियम क्या कहता है, यदि किसी स्वर के बाद छह आए, यदि किसी स्वर, स्वर तो आप जानते हो अ आ ई उ रा ए ओ बड़ा ओ, तो इस तरीके के बाद यदि छह आए जैसे परि प्लस छेद। अब देखिए री मतलब छह से पहले यदि कोई स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, उससे पहले छह से पहले छह लग जाता है, तो ये क्या बन जाएगा परि छेद, समझ में आया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं अनु प्लस छेद, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है कि अगर पहले उससे कोई स्वर आया छह से पहले तो वो क्या में क्या किसमें परिवर्तित, छह में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा अनु छेद। तो ये था छह संबंधी और छह संबंधी नियम, आप इजीली एक दो बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा किस तरीके से उसको हम लिखेंगे। उसके बाद एक और नियम कहता है, देखिए बहुत छोटा सा है, यदि एम के बाद मैं के बाद, मैं के बाद यदि या रा ला वा शा सा से और हा इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो उस पर अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी लग जाती है, अनुस्वार कहते हैं इसको, उसका क्या होता है अनुस्वार लग जाता है। जैसे आपको बोला उसने सबसे पहले नियम जाना, यदि एम के बाद मैं के बाद या रे ले बे आए तो वहां क्या हो जाता है, तो वहां पे अनुस्वार हो जाता है। कैसे होगा देखिएगा, आपको एग्जाम में देगा सम प्लस हार या देगा सम प्लस बाद, तो हमको यह पता है अगर इसके बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए तो उसके स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा सम हार, ठीक है, यह क्या हो जाएगा सम बाद। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सम प्लस योग दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा संग संयोग, समझ में आया कि मैं के बाद यदि कोई भी वर्ण हो तो मैं अनुस्वर में बदल जाता है, तो ये इसने में जाना तीसरे नियम के बारे में। एक और नियम है इसका जानते हैं, देखिए ये कहता है यदि किसी शब्द के पहले के सैक से पूर्व ए या आ को छोड़कर, जैसे आपको पेपर इसे एग्जाम में समझ में आएगा बी प्लस सम लिखा हुआ है, यदि इस सै से पहले ए या आ को छोड़कर कोई सर आता है तो ये जो सै है ये वाला सै इस सै में बदल जाता है। दोबारा देखिएगा, यदि सै से पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर आता है भिन्न स्वर आता है तो सै ये इस सै में चेंज हो जाता है, जैसे विषम तो इसको हम लिखेंगे बी सम, जैसे एक और लिख सकते हैं नी प्लस सेद, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम नी सेद। तो ये नियम थे, एक बार और थोड़ा थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे आपको दिया होगा दिक प्लस गज, तो आप ये जानते हो कि इस कै का किस में परिवर्तन, गै में परिवर्तन हो जाए तो क्या बन जाएगा दिक गज हो जाएगा। इसी तरह वाग्दाता तो इसका क्या हो जाएगा वाग्यदाता हो जाएगा, वागीस वाग इसका वागीस हो जाएगा, इस तरीके से दिगंतर हो जाएगा, षड आनन हो जाएगा,
टय का किस में होता है, टय का परिवर्तन किस में होता है, देखिए ये देखिए एग्जाम बहुत पूछ जाता है, टय का जो होता है किस में होता है, ड़ में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सा ड़ा आनन, तो ये क्या हो जाएगा, सड़ानन। समझ में आया आपके किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो इसी प्रकार ये सदाचार, तो ये क्या हो जाएगा, तय का किसमें परिवर्तन, दय में सदाचार हो जाएगा, ये सदुपयोग हो जाएगा। आपको पता है यदि स से पहले ए या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो वहां पे स का क्षय हो जाता है। इसी के अलावा आपको ये पता है तय संबंधी नियम, यदि तय या दय के बाद क्या आए, ले आए तो उसका लय हो जाता है, यदि वो तय या दय के बाद जय या झय आए तो जय हो जाता है, यदि तय के बाद तय या ठय आए तो तय और ठय हो जाता है, यदि तय के बाद स आए तो तय का जो परिवर्तन है चय में हो जाता है और स का जो परिवर्तन है वो छय में हो जाता है। दोबारा ध्यान दीजिए, यदि तय के बाद क्षय आए तो जो तय का परिवर्तन है वो चय में हो जाता है और जो स है उसका परिवर्तन छय में हो जाता है। इसी के अलावा एक और था, यदि तय के बाद है आए तो तय का परिवर्तन दय में हो जाता है और है का परिवर्तन धय में हो जाता है। फिर से सुनिएगा, यदि तय के बाद है आए तो तय का परिवर्तन किस में होता है, दय में होता है और दय का परिवर्तन धय में हो जाता है। इसी प्रकार यदि छह संबंधी नियम देखते हैं, यदि छह से पहले कोई स्वर आता है तो जो छह से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, चय का प्रयोग करते हैं, यह भी हमने समझा। उसके बाद एक और नियम जाना हमने कि मैं के बाद यदि अंधस्थ जो मैंने आपको बताया जो होते हैं यह अलाव है, उसके बाद ऊष्म जो मैंने बताया शय 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 है होते हैं, ये स्वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया सम प्लस बाद तो संवाद हो गया, सम प्लस योग तो संयोग हो गया। इसके बाद इसके दो और नियम है वो अभी समझते हैं हम लोग। तो इसके अब दो और इसके नियम के बारे में जानते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद मैं या ने आए, प्रथम वर्ण कौन कौन से, का चा टा ता पा के बाद यदि मैं या ने आए तो उसका जो परिवर्तन हो जाता है उसके पांचवें वर्ण में हो जाता है, अर्थात उसका परिवर्तन यदि कै वर्ग का है तो ळ, इसका है तो ण, तो तैवर का तो ना और पावर का तो मा, तो इस तरीके से उसका परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है देखिए, जैसे आपको दिया है इसने षटमास, तो इसका परिवर्तन किस तरीके से, हमको पता है कि टय का जो होता है उसके पांचवें वर्ण में हो जाता है, तो ये क्या लिख जाएगा, सा ला मास। समझ में आया किस तरीके से परिवर्तन आएगा, आप इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में लिखा होगा और इस तरीके आपको कुछ दिए होंगे तो आप उस पर इजिली टिक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से ये भी दिया है, इसको भी हम देखते हैं, कै वर्ग का किसमें परिवर्तन होगा इसके पांचवें वर्ण में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वा डम मात्र। कैसे परिवर्तन होगा इसका, कै का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इसके पांचवें वर्ण में हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये आता है, ये देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा तो पांचवें वर्ण क्या, इसको क्या लिखें, वा डम मैं, तो इस तरीके से इसको परिवर्तन हम कर सकते हैं। यह मतलब यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद मैं या ने आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, उसके पांचवें वर्ण में हो जाता है। जैसे ये है तो इसको क्या लिखें, आ मैं ये, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि पै के बाद मा आया है और पाक पैक वर्ड का पांचवा वर्ण क्या है, मा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अम्य। तो समझ में आया किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, नियम क्या कहता है। इसका लास्ट जो नियम है वो देखिएगा, ये कहता है यदि, एग्जाम्पल से समझिएगा, नियम तो बहुत परेशान करेगा, यदि रा री रा और सा के बाद ना हो और उन दोनों के बीच में कोई स्वर हो तो ना का ळा हो जाता है। दोबारा समझिएगा, यदि रा री और स के बाद ने हो और उनके बीच में कोई स्वर हो या कै वर्ग या पै वर्ग का कोई वर्ण हो तो वो क्या हो जाता है, ना का ळा हो जाता है। जैसे ये देखिए, रा और ना के बीच में क्या है, एक स्वर है, तो ना का क्या हो जाएगा, ळा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भा रण। समझ में आया। इसी प्रकार ये देखिएगा, रा के बीच में और ना के बीच में क्या है, आपको पहले ही पता है कि कै वर्ण का है, पै वर्ण का कोई वर्ण हो, तो हमें पता है जो मैं है वो किस वर्ण का है, पै वर्ण का है,
तो ये क्या हो जाएगा, परमाण। इसी तरीके से ये है रा के बाद ना है तो ये क्या हो जाएगा, रण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तृष्णा। तो इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि आपको इस तरीके से इसका विच्छेद करके जो देगा उसके बाद आपको बताना इसमें सही इसका कौन सा रूप है, तो इजीली आप इसको टिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि की जो क्लास है समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, हमारी वीडियो जो अभी तक हमने बनाई है आपको पसंद आती है, कुछ जो समझ में आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।